एक समान को दोस्तों, अच्छा ये बार बार वर्ड आता है, एक समान। एक समान को कहा जाता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो इक्वली डिवाइड है हर जगह, ऐसे नहीं कहीं मोटा कहीं पतला। एक समान का मतलब ये होता है कि उसका जितना भी क्षेत्रफल है, जितना भी द्रव्यमान है उसका, कैपिटल एम, वो इक्वली डिवाइडेड है पूरे के पूरे एरिया के अंदर। एक समान दीर्घवर्तीय पटल दीर्घवर्तीय पटल को चक्रिका भी कहा जाता है। का जड़त्व अवगुण ज्ञात करना, जड़त्व अवगुण ज्ञात करना। दीर्घवर्तीय पटल को कहा जाता है इलेप्टिक डिस्क। ठीक है, एक समान दीर्घवर्तीय पटल बोल दो या दीर्घवर्तीय डिस्क ही नाम दे दो उसको, डिस्क ज्यादा अच्छा रहेगा अपना, क्योंकि पटल के लिए तो लेमिना शब्द काम में आ जाता है। तो एक समान दीर्घवर्तीय डिस्क का जड़त्व अवगुण ज्ञात करना, और किस किस के कोरस्पोंडिंग निकालना है, दीर्घ अक्ष के परीतः है, लघु अक्ष के परीतः है। उसमें पहला फोर्सन अपना जो है दीर्घ अक्ष के परीतः है, तो अपन क्या करते हैं कि एक साथ लिखने से अच्छा है कि भाई एक एक को निकालते जाओ और फिर आप लिखते जाओ इसको, दीर्घ अक्ष के परीतः है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर दीर्घ अक्ष के परीतः जब आपको जड़त्व अवगुण निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक इलिप्स लेना पड़ेगा। तो मैं ये इलिप्स ले लेता हूँ, ये अपन एक इलिप्स ले लेते हैं, चलो जो भी बना वो ठीक है। ये इस इलिप्स का केंद्र है, ए ओ ए डैस। ये इलिप्स का दीर्घ अक्ष है और बी ओ बी डैस ये दीर्घ अक्ष का, ये दीर्घवृत्त का लघु अक्ष है और ये दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष है। ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैस हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, राइट। मैं लिख देता हूं, माना ए ओ ए डैश, ए ओ ए डैश जो कि दीर्घवृत्त का दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष है। अभी अपने को अर्ध दीर्घ अक्ष ये लंबाई दी हुई है दोस्तों, इस लंबाई को स्मॉल ए बता रखा है, टोटल यहां से यहां तक इस लंबाई को स्मॉल ए बता रखा है, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई स्मॉल ए दिया है। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, तो टोटल लंबाई हो गई 2a, और ये अपना बी ओ बी डैश है, ये हो गया दीर्घवृत्त का लघु अक्ष,
अपने को यह दिया है, अर्धलघु अक्ष की लंबाई दिया है, अर्धलघु अक्ष की लंबाई दिया है स्मॉल बी, तो फिर ये टोटल कितना हो गया 2b, राइट। अब मैं ये लिखूंगा कि भाई दीर्घवृत्त का समीकरण, सबसे पहले तो दीर्घवृत्त का समीकरण, सब जानते हैं दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, और इक्वेशन नंबर 1 डाल लिया। ये अपना जो इलिप्स है उसका इक्वेशन है। अब एक बार मान लेते हैं कि भाई माना दीर्घवर्ती है डिस्क, अच्छा कैपिटल M लिख देता हूँ यहाँ, दीर्घवर्ती है डिस्क का द्रव्यमान, माना दीर्घवर्ती है डिस्क का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल है, दीर्घवर्तीय डिस्क का द्रव्यमान कैपिटल M है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई AB, जहां दोस्तों A तो है अपना अर्ध लघु अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, और B है अर्ध लघु अक्ष की लंबाई। मैं बताता था ना आपको कि A बराबर B हो जाता है, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हो जाएंगे, तो ये अपना मूल बिंदु पर केंद्रित एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दीर्घवृत्त का केंद्र है भाई, ये लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, O दीर्घवृत्त का केंद्र है, तो एक बार इसको बनाओ फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। आसान सा आर्टिकल है, अब अपन यहां क्या करेंगे कि जड़त्वागुण का मान याद करने के लिए एक अल्पांश लेता हूं मैं, ये जैसे मैं अल्पांश बनाता हूं यहां, और इस अल्पांश को नाम देता हूं मैं पी क्यू आर एस। अल्पांश ऐसा लिया है कि इस अल्पांश की ये दूरी जो है ये तो वाई है, दीर्घक से दूरी तो वाई है, और ये दूरी एक्स है, तो बिंदु पी के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक क्या हो गए एक्स वाई, और ये दूरी अच्छा वर्गाकार है, तो ये आयताकार मान लो या वर्गाकार, तो ये दूरी x है, तो ये मैंने डेल्टा x ले लिया, x में परिवर्तन ये कितना बता दिया मैंने डेल्टा x, तो ये टोटल कितना हो गया x प्लस डेल्टा x, और ये y है तो इसको मैंने डेल्टा y बता दिया, इसको मैंने डेल्टा y बता दिया, और इसको मैंने डेल्टा x बता दिया, तो ये तो x है, ये टोटल इसकी बात करना चाहिए तो x प्लस डेल्टा x, ये अपना y है, और ये टोटल बात करना चाहिए तो y प्लस डेल्टा y है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां, दीर्घ अक्ष के परितः है जड़त्वागुण का मान ज्ञात करने के लिए जड़त्वागुण का मान ज्ञात करने के लिए
के लिए एक अल्पांश पी क्यू आर एस लिया जाता है। जाता है जिसकी जिसकी ए ओ ए डैश व बी ओ बी डैश से दूरियां क्रमशः है। देखो इस अक्ष से दूरी तो क्या है वाई, ए ओ ए डैश अक्ष से दूरी वाई और बी ओ बी डैश अक्ष से दूरी एक्स है। इस अक्ष से दूरी वाई और इस अक्ष से दूरी एक्स है, ये अपन ने लिख लिया। माना ओ दीर्घवृत्त का केंद्र है तो बिंदु पी के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे एक्स कोमा वाई और बिंदु आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, ये भी लिख देते हैं। माना ओ दीर्घवृत्त का केंद्र है तब P के कोऑर्डिनेट तो हो गए एक्स वाई और R के x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, ये अपने R के कोऑर्डिनेट हो गई। तो जो अल्पांश पी क्यू आर एस है उसका क्षेत्रफल अल्पांश पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल वो कितना हो गया डेल्टा एक्स से डेल्टा वाई। तो एक बार करो इसको आप, ये अपन ने अल्पांश का क्षेत्रफल निकाल लिया। ओके अब अपन क्या करेंगे कि यहां जो अल्पांश अपन ने पी क्यू आर एस लिया है उसका मास भी अपने को निकालना है। तो देखो चूंकि पाई ए बी क्षेत्रफल की या पाई ए बी क्षेत्रफल के इलेप्टिक डिस्क का द्रव्यमान पाई ए बी क्षेत्रफल की जो अपनी डिस्क है इलेप्टिक डिस्क उसका द्रव्यमान कितना लिया है अपन ने कैपिटल एम, इसलिए एकांक क्षेत्रफल इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान सीधा ही लिख देता है, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल एम अपॉन पाई ए बी। अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान कैपिटल एम अपॉन पाई ए बी और पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल से गुणा कर दो डेल एक्स डेल वाई। ओके अच्छा फिर ऐसे करो आप कि अब यहां से चालू करो, इतना पार्ट यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो तो तीनों आर्टिकल के लिए कॉमन है ही।
बस तीसरे आर्टिकल में तल के लंबवत अक्ष की बात और करेंगे तो वो भी इसी में बना देता हूँ कि इधर बना दो चाहे ऊपर बना दो, एक ही बात होती है। आप मैंने पिछले दो डायग्राम थे सर्कुलर रिंग सर्कुलर डिस्क उसमें नीचे बनाया तो आप इसको नीचे बना सकते हो। बस इतना पता है कि जी ये ओ एन है वो ऐसे है, इसके केंद्र जो अपना इलेप्टिक ये डिस्क है उसके केंद्र से जा रहा है और तल के क्या है ये परपेंडिकुलर है लंबवत है। आप करो इसको, कोई डाउट आए तो आप बताओ इसमें। सबसे पहले अपने को दीर्घ अक्ष के परिवर्तित जड़त्वागुण का मान ज्ञात करना है, ए ओ ए डैश के परिवर्तित जड़त्वागुण का मान, ए ओ ए डैश के परिवर्तित हैं जड़त्वागुण। वैसे तो हेडिंग अपन ने यही डाल दी थी, या यहां ना डालो तो यहां भी डाल देना, वहां भी डाल दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको काटना मत आप। तो सबसे पहले तो AO A' के परिधेय जड़त्वागुण ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें जिस भी अक्ष के कोरस्पोंडिंग जड़त्वागुण निकालना है उस अक्ष से लंबवत दूरी चाहिए। तो इस अक्ष से लंबवत दूरी क्या है y, तो मैं क्या लिखूंगा अल्पांश से PQRS की दीर्घ अक्ष से लंबवत दूरी वो हो गया वाई। इसलिए अल्पांश पी क्यू आर एस का इसलिए अल्पांश पी क्यू आर एस का दीर्घ अक्ष के परिता है जड़त्वागुण। दीर्घ अक्ष के परिता जड़त्वागुण क्या होगा भाई, अल्पांश का द्रव्यमान तो कितना है, कैपिटल एम अपोन पाई ए बी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, अपना मास इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस भी अक्ष के कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है तो वाई स्क्वायर। इसलिए संपूर्ण दीर्घवृत्तीय डिस्क का इसलिए संपूर्ण दीर्घवृत्तीय डिस्क का दीर्घ अक्ष के परिता है जड़त्वागुण इक्वल टू, ये क्या है कैपिटल एम अपोन पाई ए बी वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब दोस्तों वाई की लिमिट तो अपन लगाई, जैसे ये डी एक्स है, ये डी एक्स है तो ये लिमिट एक्स की लगेगी, तो एक्स की लिमिट तो यहां से यहां तक लगेगी। अब ये लेंथ ए है तो ये भी ए, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए वो माइनस ए कोमा जीरो हो गए, और ये हो गया ए कोमा जीरो। तो यहां x का मान माइनस ए है और यहां x का मान कितना है a है, इन शॉर्ट में लिख भी सकता हूं माइनस ए कोमा जीरो, और ये है अपना ए कोमा जीरो। तो x तो माइनस ए से ए, तो माइनस ए से ए। और जो y की लिमिट है वो y की लिमिट ऐसे नहीं निकलेगी, देखो y की लिमिट किस प्रकार से निकलेगी मैं बताता हूं, एक बार इसको करो आप। ओके
मेरे को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा दोस्तों इसको, क्योंकि आगे बढ़ना है। तो देखो, दीर्घवृत्त का जो क्षेत्र समीकरण था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का मान आया प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान आया वाई का। तो नेगेटिव वाला मान तो नीचे वाला और पॉजिटिव वाला मान ऊपर वाला। ओके, तो मैं तो y की लिमिट मैं यहां लगा देता हूं, नेगेटिव वाली लिमिट। अच्छा, इसको भी मैं ऊपर ही बना देता हूं, इस वाले को भी मैं ऊपर ही बना देता हूं, इसलिए mi बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, इस लाइन के बाद में जड़त्व आघूर्ण, इस लाइन के बाद में आप ये लिखना और फिर इसका ब्रिकेट बना के लिख लेना कि भाई ये इस प्रकार से अपना निकल के आया है। तो x की लिमिट तो कितनी हो गई थी माइनस ए से ए, और y की लिमिट यहाँ तो नेगेटिव वाला b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव। ये कितना है m अपॉन पाई ए बी, एम अपॉन पाई ए बी, और ये वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये एक्स की लिमिट है तो डी एक्स है, और ये वाई की लिमिट है तो डी वाई। ओके, अब अपना काम इसको सोल्व करना है। तो डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना दोस्तों, अपन ने बीएससी पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था इसका, एम अपॉन पाई ए बी है वो तो अपना बाहर आ गया, ये माइनस ए से ए है। अब देखो, सबसे पहले आप ये लिखोगे आप माइनस का बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है अपना बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई की लिमिट है, ये वाई स्क्वायर और डी वाई, और बार क्या है डी एक्स। अब ये वाई में इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से टू बार आ जाएगा और ये जीरो से बन जाएगी लिमिट। तो टू एम अपॉन पाई ए बी माइनस ए से ए, और ये जीरो से बन जाएगी, और वाई स्क्वायर का मैं इंटीग्रेट भी कर देता हूँ, वाई क्यूब बाई थ्री, और ये लिमिट बन गई जीरो से बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बार डी एक्स, वाई स्क्वायर का बन गया वाई क्यूब बाई थ्री। तो थ्री बार लिया तो बना टू कैपिटल एम अपॉन थ्री पाई ए बी माइनस ए से ए। अगर आप वाई क्यूब की जगह ये पुट करोगे तो बनेगा बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, और ये dx है भाई। लोअर लिमिट जीरो पुट करने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से ये बना। अब मैं इधर वाले पार्ट को हटा देता हूं। बी क्यूब अपॉन ए क्यूब को भी बाहर ले लो आप, तो टू कैपिटल m बी क्यूब अपॉन, नीचे कितना था
थ्री पाई ए बी ए क्यूब, और ये अपना माइनस ए से ए, ये हाफ पावर है, ये थ्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटा दो डी एक्स। अब ये फिर से इवन फंक्शन है और माइनस ए से ए लिमिट है, तो टू फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया फोर एम बी क्यूब। अब बी क्यूब का एक बी कैंसिल कर दो, फोर एम बी स्क्वायर अपॉन थ्री पाई ए फोर, और ये जीरो से ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटा दो डी एक्स। राइट, करो एक बार आप इसको। अब अपना काम बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने का काम है, ये चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां मैं गामा फंक्शन का यूज करूंगा, देखो गामा फंक्शन का मैं अलग से फॉर्मूला लिख देता हूं। ये फॉर्मूला होता है कि कभी दोस्तों जीरो से पाई बाई टू लिखा हुआ हो और यहां साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स लिखा हुआ हो, तो गामा फंक्शन क्या बोलता है, ये m है तो गामा m प्लस वन बाई टू, ये n है तो n प्लस वन बाई टू, मतलब m में एक जोड़ के दो का भाग दो गामा लगा दो, n में एक जोड़ के दो का भाग दो गामा लगा दो, अपॉन टू गामा, इसको और इसको जोड़ो, m और n को जोड़ो और फिर उसमें टू जोड़ो और टू का भाग दो। कहने का मतलब मैंने इसको और इसको जोड़ा है बस, और ये लिख दिया। ये सारा का सारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, आई होप आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसकी सहायता से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ आगे इस इंटीग्रेशन को। अगर आपको और कोई तरीका आता है तो आप उस तरीके से सोल्व कर सकते हो, मेरे को गामा फंक्शन का ईजी लगता है मेथड, तो मैं उससे सोल्व करता हूँ। तो गामा फंक्शन में चेंज करने के लिए ये अपना एम आई आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करो, तो यहां से डी एक्स बन गया ए कोस थीटा डी थीटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया, फोर कैपिटल एम बी स्क्वायर अपॉन थ्री पाई ए फोर, और ये लिमिट, जब x का मान जीरो है तो थीटा का मान जीरो, जब x का मान a है तो a से a कट गया, थीटा का मान है पाई बाई टू। ये अपना बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर तीन बटा दो, और dx का मान a cos थीटा डी थीटा। मैं चेक कर लेता हूँ इसको, दिखाई दे पा रहा है कि नहीं, ओके बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो भाई ए स्क्वायर बार आया, ए स्क्वायर बार आया तो ये ए स्क्वायर इससे कट जाएगा, रूट हो जाएगा ए, और ए है तो फिर बाद में क्यूब और होगा, तो यहां से ए क्यूब बना, ए ये रहा ए फोर बना, और ए फोर से ए फोर कैंसिल, तो ये बना फोर एम बी स्क्वायर अपॉन थ्री पाई, भाई ए स्क्वायर का ए तो ए क्यूब और ए ए फोर, और ये जीरो से पाई बाई टू। अब ये बना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर तो कट गया तो ये कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब और ए कोस ये रहा, तो ये बन गया कोस फोर थीटा डी थीटा। राइट, अब ये बना चार बटा तीन एम बी स्क्वायर अपॉन पाई जीरो से पाई बाई टू। अब दोस्तों मैं इस गामा फंक्शन में इसको चेंज करना चाहता हूं, तो यहां साइन नहीं है तो यहां साइन जीरो थीटा लिख दिया मैंने, कोस फोर थीटा लिख दिया, और ये डी थीटा, तो ये बना चार बटा तीन एम बी स्क्वायर अपॉन पाई। अब इसका मान देखना, गामा जीरो है तो जीरो प्लस वन बाई टू, फोर है तो फोर प्लस वन बाई टू अपोन टू गामा, इसका सम करो
एम और एन का सम करो, इसकार इसका सम करके दो जोड़ो और फिर दो का भाग दो। तो इसकार इसका सम करो, 0 + r + 2/2। आप इसकी कंपेरिजन कर लेना उस फॉर्मूले से। तो ये बना 4/3 mv² / π। ये बन गया 0 + 1 गामा हाफ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बॉक्स में मैं पैक कर लेता हूँ। गामा हाफ का मान जो दोस्तों होता है वो होता है √π। गामा हाफ का जो मान होता है वो कितना होता है? √π। तो ये बन गया अपना √π और ये बन गया गामा 5/2। नीचे बना 2 गामा, 4 और 2 6, 6 में 2 का दिया तो 3। अब देखो गामा n+1 का मान दोस्तों होता है n factorial, और ये कब होता है? जब n का मान नेचुरल नंबर, n का मान नेचुरल नंबर होता है तो गामा n+1 का मान होता है n factorial। मैं थोड़ा और मेरे को हटाना पड़ेगा, इधर से हटा देता हूं मैं। तो यहां से देखना mi = 4/3 mb² / π, mb² / π। अब देखो, अच्छा ये तो लिख दिया, एक गामा n+1 का मान होता है दोस्तों n गामा n, और ये होता है n > 0 परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए यहाँ पे, उसके लिए इस प्रकार का होता है। तो जैसे गामा 5/2 है, ये गामा 5/2 है, तो दोस्तों इस गामा 5/2 को मैं गामा 3/2 + 1 लिख सकता हूँ। गामा 5/2 को गामा 3/2 + 1 लिख सकता हूँ, और फिर इसको मैं 3/2 गामा 3/2 लिख दिया। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3/2 गामा 3/2 लिख दिया। अब देखो ऐसे ही ये वाला जो फोर्शन है गामा 5/2, इसको मैंने क्या लिखा? 3/2 गामा 3/2, 3/2 गामा 3/2। अब ये बना 3/2, ये 3/2 है, इसको भी 1/2 + 1 लिख दो। तो फिर बन गया ये 3/2 1/2 गामा 1/2, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। और ये बन गया अपना 3/4, और गामा 1/2 होता है फिर से √π। ये मान उठा के अपन यहां पुट करेंगे। देखो ये कितना है, 4/3 mb² / π, ये अपना है √π, और 5/2 को लिखा जाता है 3/2 1/2 गामा हाफ। तो ये बन गया 4/3 √π, और जो नीचे बना वो कितना है, 3। इसको भी मैं बता देता हूँ एक बार, जैसे गामा 3 है, गामा 3 को गामा 2 + 1 लिख सकता हूँ। अब देखो गामा 3 को गामा 2 + 1, और 2 + 1 होता है 2 factorial के बराबर, 2 + 1 होता है 2 factorial के बराबर, और 2 factorial कितना होता है, 2। तो गामा 3 ये है, ये जो गामा 3 है उसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, राइट। अब इसको आप सोलो कर लो, ये 3/4 है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखो। ये इससे कट गया, 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया, √π √π π से कट गया। तो यहां पे फिर बचा क्या, फॉर्मूला सही लगाया है ना मैंने, 4/3 3/2 1/2, ओके। ये 4/3, ये 2 था, अच्छा ये 2 था, और ये गामा 3 था, गामा 3 का मान मैंने लिख दिया 2, तो ये भी 2 हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/4 mb² आ गया ये दोस्तों।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान 1/4 mv स्क्वायर आया। इसमें मैंने गामा फंक्शन का यूज किया है और जो जो चीजें गामा फंक्शन की काम में आई है वो मैंने अलग से बता दिया। तो इस प्रकार से अपना ये जो इलेप्टिक डिस्क है उसका दीर्घ अक्ष के परिते जड़त्वागुण का मान आया 1/4 mv स्क्वायर। करो आप इसको।